Union Home Minister Sushilkumar Shinde clarified that the leader of the opposition Arun Jaitley's phone was not tapped by the government. He informed the Rajya Sabha that it was a case of an unauthorized attempt to access call records. And he also promised to go into the full details of the incident. We will do the full inquiry and I will also assure you that we will go into very much detail. काय के लिए ये एजेंसी किस काम के लिए ये कर रही थी ये भी पूरी इंक्वायरी हम करेंगे. In the Rajya Sabha, BJP leader Ravishankar Prasad demanded a clarification from the government about the possible involvement of any public official. I am sure there are some state actors, there are some non-state actors, and such a massive operation would not have been possible for the last 7, 8, 9, 10 months without some backing at some official level. Therefore, the House is keen to know. We would like a very frank answer from you. Terming phone tapping a threat to national security and constitutional rights, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav has called upon the government to bring out the truth in this matter. ये बिल्कुल अपर्याप्त सूचना है और ये गंभीर मामला है. मैं चाहूँगा कि इस मामले में ये बरसों से उठता रहा है कि नेताओं के फोन टैप होते रहे. राज्यसभा के किसी भी मेंबर का फोन कॉल डिटेल जानने के लिए या टेप करने के लिए राज्यसभा के सभापति की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए. ये प्रोविजन माननीय गृहमंत्री जी कीजिए. बीजेपी लीडर सुधांशु मित्तल सेड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ डॉक्टर अनुराग हु हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द फोन टैपिंग केस. ही सेड ही न्यू डॉक्टर अनुराग एंड बिलीव ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. मेरी मांग है कि इस सारे के पीछे वो कौन सा मास्टरमाइंड है, वो कौन सा दिमाग है जिसने ये सारे राजनीतिक व्यक्तित्वों के कॉल की डिटेल निकलवाने की कोशिश करी है, उसका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए. दिल्ली पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस एंड आल्सो अरेस्टेड सम पर्संस इंक्लूडिंग डॉक्टर अनुराग. द प्रोब रिवॉल्व्स अराउंड द क्वेश्चन हु ऑर्डर्ड द एक्सेसिंग ऑफ कॉल डिटेल्स, वेदर इट वॉज गिवन बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और अ पर्सन हु डिड सो इन प्राइवेट कैपेसिटी. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़.